अगर आप एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप कोई बड़ा स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तब भी आपको कोडिंग आनी चाहिए। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उनके अच्छे करियर डेवलपमेंट के लिए आपको उनको भी कोडिंग सिखानी चाहिए। ये सारे झूठ आपसे बार बार बोले जाते हैं, हर बार बोले जाते हैं, और आप इन पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन सारी बातों को मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ, इस सच के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखिए, आजकल आप तमाम जगह पर ऐड देख रहे होंगे कि लोग कोडिंग सीखने को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। बड़े बड़े स्टार्टअप्स आ गए हैं जो कोडिंग सिखाने का काम करते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स बच्चों को भी कोडिंग सिखाने को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ये कर क्यों रहे हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा है या नहीं? देखिए, मेरे प्रोस्पेक्टिव से अगर आप माने तो अगले 5-7 सालों के अंदर कोडिंग का स्कोप अपडेट हो जाएगा, कोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये बातें मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, उसके मेरे पास 3 वैलिड रीज़न हैं। पहला, बड़ी कंपनीज कोड को और कोडर्स को दोनों को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शॉपिफाई। पहले के टाइम हम लोग ई कॉमर्स की वेबसाइट PHP या किसी और लैंग्वेज में बनाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे वैसे नए सॉफ्टवेयर मार्केट में आते गए। वहां पर शॉपिफाई ने एक अच्छी मार्केट पकड़ ली। उन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया जहां पर कोड करने की जरूरत ना पड़े, एक बेसिक सा आदमी अपने स्टोर को सेटअप कर सके, जहां पर अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सके, पेमेंट गेटवे लगा सके और वहां से अपने प्रोडक्ट सेल कर सके। धीमे धीमे बहुत सारे लोग जो अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाते थे शॉपिफाई पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि वहां पर उन्हें ईज मिल रहा था और एक प्रॉपर सिस्टम मिल रहा था जहां पर उन्हें स्पीड की चिंता करने की जरूरत नहीं है और किसी टेक्निकलिटी से फंसने की जरूरत नहीं, किस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, किस तरह से पेमेंट गेटवे लगेगा, ये सब करने की हेडक उनकी नहीं रह जाती है। और शॉपिफाई मात्र एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप इसे जो लोग पहले के टाइम पे वेबसाइट बनाया करते थे वो जानते हैं कि पहले छोटी से छोटी वेबसाइट के लिए आपको कोड करना पड़ता था, लेकिन फिर वर्डप्रेस का आगमन हुआ और वहां से आपको ऐसा सिस्टम मिल गया जहां पर वेबसाइट आप बहुत ईजिली बना सकते थे, और वर्डप्रेस भी एक बेसिक सा आदमी बहुत कम टेक्निकलिटीज के साथ एक वेबसाइट बना सकता है। धीमे धीमे ये चीज़ें और भी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं और कोशिश की जा रही है कि और कम से कम टेक्निकल स्किल वाला आदमी ये काम कर सके। तो इस तरह के कामों के लिए ऑलरेडी कंपनीज कोडिंग को एलिमिनेट कर चुकी हैं और ये कंपनीज आगे भी इस दिशा में काम करती जा रही हैं। सेकेंड रीज़न, कॉन्टीन्यूस चेंज। देखिए, अगर आप कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं तो आप ये जानते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री लगातार चेंज होती जा रही है। पहले आपसे ये कहा गया कि आप सी लैंग्वेज सीख लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अच्छी बात है, आपने सी लैंग्वेज सीख ली, लेकिन उसके बाद जावा, PHP, पाइथन, Node.js, एंगुलर, कितनी ही लैंग्वेज हैं जो आपको सीखनी पड़ जाती हैं किसी कंपनी में जॉब पाने के लिए। मतलब हर साल 2 साल में एक नई लैंग्वेज आ जाती मार्केट में जो आपको करियर डेवलपमेंट के लिए सीखनी पड़ती है। अब इससे नुकसान क्या है, आपने तो अपना करियर चलाते हुए धीमे धीमे लैंग्वेज सीखते रहे, काम करते रहे, आपका करियर ग्रो होता गया। लेकिन जो बच्चे आज लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई भी कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो लैंग्वेज उनके आगे काम आने वाली या नहीं है इसका कोई भरोसा नहीं है। 99% चांसेस है कि वो लैंग्वेज उनके काम नहीं आनी है। उनको जब भी अपने करियर में कोडिंग करने की जरूरत पड़ेगी उन्हें एक नई लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। कहने को लोग इस बात को कहेंगे कि लैंग्वेज में थोड़ा बहुत सिंटैक्स चेंज होता है और बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन अब जिस तरह के चेंजेस लैंग्वेजेस में हो रहे हैं वो बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपने पाइथन पे काम किया हुआ है तो आपको एंगुलर सीखने में अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, उसे समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर केवल थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो गया है और आप आसानी से सीख लेंगे, इसमें आपको अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। तीसरा और सबसे बड़ा रीज़न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये भला ऐसी है कि आने वाले 4-5 सालों में ये बहुत सारे करियर को किल कर देगी, चाहे फोटो एडिटिंग को ले लें, वीडियो एडिटिंग को ले लें, कोडिंग को ले लें, और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको ये ख़त्म करने वाली है। रीज़न इसका ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद ही यही है कि कैसे इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियली अचीव किया जाए। मतलब एक आदमी का दिमाग कोई भी टास्क करता है, वो फोटो एडिटिंग करता है, वीडियो एडिटिंग करता है या फिर कोडिंग करता है, उसे कैसे एक मशीन से अचीव किया जाए, इस चीज़ पे लगातार काम चल रहा है। बहुत सारे काम आज हो सकते हैं, फोटो एडिटिंग इजीली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की जा सकती है। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे टूल्स प्रोवाइड करा रही हैं जो इमेज की इजीली एडिटिंग कर सकती है परफेक्टली बिना किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के। तो आने वाले 4-5 सालों में कोई बड़ी बात नहीं, कोड भी अपने आप होने लगे, ऑटोमेटिकली वेबसाइट्स बनने लगे, ऑटोमेटिकली टूल्स बनने लगे, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो इन सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करते हुए कहा जा सकता है बहुत हद तक कि आने वाले टाइम में कोडिंग के एलिमिनेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पर कोडिंग बचे ही कहाँ पर, जो भी काम हाईली टेक्निकल स्किल से होते हैं जहाँ पर मशीन परफेक्टली काम नहीं कर पाएगी वहीं पर ह्यूमन कोडिंग ज़रूरत पड़ेगी, वहीं पर एक आदमी कोड करेगा और धीमे धीमे वो चीज़ें भी एलिमिनेट होती जाएंगी। जैसे जैसे मशीन परफेक्ट होती जाएगी आपकी, वैसे वैसे ह्यूमन का रिप्लेसमेंट बनता जाएगा। इस वीडियो का पर्पज़ किसी को डराना नहीं था, बस ये बताना था कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी कि आप कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करने जा रहे हैं और वहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर बातें कुछ समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।